मधुबाला की खूबसूरती का जिक्र करना मतलब कागजों पर लिखने में खुद को अंतहीन खपाए जाना। अब स्याही भी हार मान चुकी है। फाउंटेन पेन के ज़माने में निब अपनी थकान को स्वीकार कर बैठी थी और नए ज़माने के बॉल पॉइंट पेन की बॉल भी पृथ्वी के सूरज के चारों तरफ लगे अब तक के घूर्णन से ज़्यादा घूमी है। एक आदर्श स्थिति तक मधुबाला की खूबसूरती के सफ़र को कहना और रुक जाना जमाना कभी नहीं कर पाया, और नामुमकिन पर बात करना वक्त की बर्बादी है। आज कहानी पख्तूनों के आफ्ताब की, कहानी मधुबाला और किशोर कुमार की शादी की, उससे जुड़े एक सवाल की कि क्या किशोर कुमार ने मधुबाला से हम सफ़र बनकर धोखा किया, क्या किशोर कुमार ने मधुबाला की बेइंतहा खूबसूरती के आकर्षण में उनसे शादी की और मधुबाला के आखिरी वक्त में उन्हें अकेला छोड़ दिया। इस कहानी के दो सिरे हैं। मीडिया कभी एक सिरा पकड़ता है, कभी दूसरा। कुछ कहते हैं मधुबाला के साथ किशोर कुमार ने धोखा किया और कुछ कहते हैं नहीं। आज हम आपको किशोर कुमार और मधुबाला की शादीशुदा जिंदगी का सफ़र परत दर परत साफ गोई से बता देते हैं। अंत में आप फैसले पर पहुंच जाएंगे। ये 1954 की बात है जब दिल फरेब हुस्न की मलिका हिंदुस्तान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ प्रेम की सजीली पगडंडियों पर बेहिसाब रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। एसएस वॉसन की फिल्म बहुत दिन हुए का शूट चल रहा था। सब कुछ ठीक था, किसी अनहोनी की कोई आहट नहीं थी, पर मुश्किल के आने को जानने का इल्म ईश्वर ने इंसान को दिया ही नहीं है, वरना दुनिया में दिक्कत शब्द किसी शब्दकोश में कभी नहीं उकेरा जाता। एक सुबह मधुबाला हमेशा की तरह बेपरवाह उठी और ब्रश करने के लिए चली गई। ब्रश करते वक्त उन्हें अपने मुंह में खून नजर आया, पर पहली नज़र में उन्हें ये लगा कि ये उनके किसी दांत दाढ़ से निकला लहू है, पर उसके अगले ही पल उन्हें एक झटका लगा। दरअसल उन्हें एक उबाक के साथ थोड़ा ज़्यादा खून मुंह में नज़र आया, उन्होंने उसे थूका और उन्हें लगा कोई दिक्कत है। जायज़ है कि ये चर्चा दिलीप साहब से भी होनी थी। दिलीप कुमार को जब ये पता चला तो उन्होंने डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ मुंबई से आगे की डॉक्टरी जाँचों के लिए उड़ान भरी। मधुबाला की चिकित्सीय जांचों में पाया गया कि मधुबाला को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, यानी उनके दिल में एक छेद है। उस वक्त मधुबाला एकदम स्वस्थ और बिना किसी बीमारी के बोझ तले आम इंसान ही की तरह नजर आती थी। मधुबाला ने इस बात की परवाह नहीं की। मधुबाला के साथ दिलीप कुमार का रिश्ता दरकना शुरू हो चुका था और उसकी वजह थे मधुबाला के पिता अताउल्लाह। दरअसल मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला और दिलीप कुमार शादी करें, और दिलीप कुमार ने मधुबाला पर शादी के लिए जोर डाला, पर मधुबाला कभी अपने पिता के खिलाफ जाना चाहकर भी नहीं जा पाई और वक्त और प्यार दोनों मधुबाला के हाथ से निकल गए। मधुबाला ने अपनी गंभीर बीमारी की परवाह किए बगैर इन 6 वर्षों में खूब काम किया। 1960 में मुगले आजम की शूट के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला की बात आपस में बंद हो चुकी थी। मधुबाला ने इस वक्त भी जुनून की हद तक काम किया। वो अपनी बीमारी की वजह से कई बार मुगले आजम के सेट पर बेहोश हुई, पर उन्होंने फिर भी अपने मर्ज पर गौर नहीं किया। साल 1956 में मधुबाला ने दिलीप कुमार पर एक कोर्ट केस भी कर दिया था। दरअसल उस वक्त मधुबाला के पिता ने मधुबाला को ग्वालियर जाकर शूट करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि नया दौर की शूटिंग के वक्त एक फिल्म की शूट भी भोपाल में हो रही थी और उस फिल्म की शूट के दौरान कुछ गुंडों ने वहां की फिल्म की शूटिंग में शामिल महिलाओं के साथ अश्लीलता की थी और उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे। मधुबाला के पिता इस बात की वजह से परेशान थे और किसी भी कीमत पर वो नया दौर की शूटिंग भोपाल या ग्वालियर में नहीं करना चाहते थे। शूटिंग लोकेशन बदलने की बात चली और फिल्म डायरेक्टर बीआर चोपड़ा ने इस बात से इनकार कर दिया। इस वजह से ये मामला कोर्ट चला गया, जहां दिलीप कुमार ने बीआर चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप ने मधुबाला के पिता को हिटलर तक कहा। मधुबाला इस बात से नाराज हो गई और दिलीप कुमार से अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर दिलीप इसके लिए तैयार नहीं थे। फिल्म से मधुबाला को निकालकर बीआर चोपड़ा ने वैजंती माला को इसमें ले लिया। इसी के साथ दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरियां आ गई। मधुबाला के अंदर दिलीप के लिए इतना प्रेम था कि वो उन्हें अपना मान बैठी थी, पर दिलीप कुमार ने उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू किया। मोहब्बत में जले मधुबाला के दिल ने स्वाभाविक रूप से सोचना बंद कर दिया। मधुबाला दिलीप के छोड़ जाने से बेहद दुखी थी और उनका ध्यान खींचने के लिए उन्होंने दिलीप को जलाना चाहा।
हालांकि उन्हें पता चल चुका था कि दिलीप कुमार किसी भी कीमत पर उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं लौटेंगे। मधुबाला ने जलन के अंजाम से सुलगने वाले कोयले को दिलीप के दिल में देखना चाहा, साथ ही वो अब अपने लिए हंसने के सबब भी खोज रही थी। इसी कश्मकश में किशोर कुमार उनकी ज़िंदगी में आए। शायद वो किशोर कुमार के हरफन मौला अंदाज, महान आवाज़ और उनके चुटीले मजाकिया अंदाज के आकर्षण से आम आदमी की ही तरह आज़ाद नहीं थी। अब हाथ से आसमान को छूने पर छूने वाला हाथ इंसान ही का होता है। मधुबाला भी इंसान ही थी। किशोर कुमार के साथ उन्होंने कुछ वक्त भी दिलीप से बड़ी दूरियों के दौरान गुजार लिया था। 1956 में दोनों की फिल्म ढाका की मलमल आई, 1958 में चलती का नाम गाड़ी और 1962 की हाफ टिकट। ये वही समय था जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे से बुरी तरह नाराज़ थे। मधुबाला की बीमारी बढ़ती ही चली जा रही थी। मधुबाला ने दिलीप को जलाने के लिए एक ख्वाहिश पाली कि वो सुहागन मरना चाहती हैं। दिलीप ने उनकी सब ख्वाहिशों को बहुत पहले ही नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसे में दिल जली हुई मधुबाला को किशोर कुमार ने शादी का प्रस्ताव दिया। मधुबाला के पिता अताउल्लाह नहीं चाहते थे कि मधुबाला अपनी तबीयत के पूरी तरह से ठीक होने तक शादी करें। मधुबाला नहीं मानी और आखिर उन्होंने 1960 में किशोर कुमार से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद ही उन्हें किशोर लंदन ले गए ताकि उनका इलाज हो सके। डॉक्टर्स ने एक दिल तोड़ने वाली बात उनसे कही कि मधुबाला का हार्ट पूरी तरह से खत्म हो गया है और वो अगले 2 साल से ज़्यादा नहीं जिएंगी। इसके कुछ ही समय बाद किशोर कुमार मधुबाला को उनके मैके छोड़ आए। किशोर कुमार ने मधुबाला के परिवार से कहा कि मधुबाला बेहद बीमार हैं, उन्हें हर वक्त अपने लोगों की परवाह की ज़रूरत है। किशोर कुमार ने कहा कि वह खुद उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और वैसे भी उन्हें गाने के लिए बाहर रहना पड़ता है। किशोर ने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बेहद कम समय की मेहमान हैं और ऐसे में वो उनके लिए क्या करें, जबकि जो उनसे बन सका वो सब उन्होंने किया। डॉक्टर्स ने मधुबाला को कह दिया था कि वो सेक्सुअली अनफिट हैं, ऐसा कोई भी कदम उनके लिए कुछ देर से आती मौत को जल्दी ले आएगा, नहीं वो बच्चे पैदा कर सकती हैं। किशोर कुमार भी अनबने थे, पर इस वक्त एक महिला को भावनात्मक लगाव की बेहद आवश्यकता होती है। मधुबाला ने किशोर कुमार पर दबाव डाला कि वो किसी भी कीमत पर उनके साथ रहना चाहती हैं। ऐसे में किशोर कुमार ने उन्हें कार्टर रोड पर एक नया घर दिला दिया, जहां पर किशोर कुमार और मधुबाला काफ़ी वक्त तक एक साथ रहे, पर किशोर कुमार की व्यस्तता में वो अकेली रह जाती थी। पर किशोर कुमार सच में व्यस्त थे, ये कोई बहाना नहीं था। घर के पास समंदर की हवा ने मधुबाला को और ज़्यादा बीमार कर दिया, इसलिए वो वापस अपने पिता के घर चली गई। यहाँ वो किशोर कुमार को याद करती थी, अक्सर किशोर उनका फ़ोन भी काट देते थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उनकी व्यस्तता थी या कोई दीगर बात, ये किशोर कुमार के अलावा कोई नहीं बता सकता। किशोर कुमार 2-3 महीनों में एक बार मधुबाला से मिलने आते थे। वो मधुबाला से कहा करते थे, अगर मैं रोज आऊँगा तो तुम रोओगी और ये तुम्हारी सेहत और हार्ट के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मधुबाला की तबीयत इस कदर बिगड़ती चली गई कि वो सिर्फ एक कंकाल भर रह गई थी। वो अपने आप को शीशे में निहारती और अपने घर वालों से कहती, देखो मैं क्या थी और क्या हो गई। अगर लोगों ने मेरी ये हालत देखी और मुझ पर कोई टिप्पणी कर दी तो मैं हर वक्त रोती ही रहूँगी। मधुबाला को नाक मुंह से तकरीबन हर वक्त खून आता रहता था, फिर भी मधुबाला का जज्बा कमाल का था। अपना खाना खुद लेती थी और अपने बाकी सभी काम खुद करने की कोशिश करती थी। उनके सिराने हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था ताकि जब भी वो हाँफने लगे तो तुरंत उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सके। वो अपने पिता से कहा करती थी कि मैं नहीं बचूंगी, मुझ पर पैसा बर्बाद मत कीजिए। दिलीप कुमार भी उनसे मिलने उस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। इस वक्त तक शायरा बानो से उनकी शादी नहीं हुई थी। मधुबाला उनसे बोली कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो क्या आप मेरे साथ फिल्म में काम करेंगे। दिलीप कुमार ने कहा, जरूर, और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, हिम्मत मत हारो। ये 1966 की बात है, जब मधुबाला से मिलने के कुछ ही महीने बाद दिलीप कुमार ने शायरा बानो से शादी कर ली और वो मधुबाला का मानसिक अंत था। वो कई दिनों तक रोती रही, अब उनके अंदर का इंसान हिम्मत हार गया।
23 फरवरी 1969 को मधुबाला के पिता अताउल्लाह का फ़ोन किशोर कुमार को गया। वो उस वक्त एक शो के लिए कलकत्ता की उड़ान पर थे। किशोर कुमार को उन्होंने तुरंत मधुबाला के पास पहुंचने के लिए कहा। किशोर कुमार ने कहा कि अगर वो लौटे तो ऑर्गेनाइजर्स का लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अताउल्लाह ने उनसे कहा कि आप मधुबाला को कभी फिर नहीं देख पाएंगे अगर आज आप ना पहुँचे। दिलीप कुमार भी मद्रास से मधुबाला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रवाना हुए। मधुबाला के माता पिता उस वक्त बेहोश हो गए जब मधुबाला को आखिरी यात्रा पर घर से बाहर निकाला जा रहा था। अगले 3 दिन तक दिलीप कुमार के घर से मधुबाला के घर खाने का इंतज़ाम किया गया। लोग चले जाते हैं लेकिन देह का मरना एक नियत नियम है। जब आप अपने काम में जीने के सबब खोज लेते हैं और उम्र और मौत को हरा देते हैं, उस दिन फिर कयामत के दिन तक जिंदा हो जाते हैं। फिर कभी आप मरते नहीं हैं। पता नहीं लोग सांसों के आने जाने को ही ज़िंदगी क्यों कहते हैं। मधुबाला कहाँ गई हैं? वो पिछले कितने ही बरसों से उतनी ही जवान और खूबसूरत हैं। बस लोग लिखते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे, किशोर कुमार कितने दोषी कहे जाएंगे आप शिनाख्त खुद कर सकेंगे। विवेक तय करता है कि 2 रास्तों में से आपको किसे चुनना है। अगर आपको हमारे किस्से कहानियाँ अच्छे लगते हैं तो आपको हमारा एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि तय समय में हर किस्सा, हर खबर, हर कहानी आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।